हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट संस्कृत। आज मैं आप सभी को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत में मैंने पिछली बार फर्स्ट लेसन पढ़ाया था वंदना, जिसका मैंने भावार्थ समझाया था। आई होप आपको वो लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लेसन टू, चरक या चार चरक जी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ अलग से चरक जी के बारे में बताना चाहती हूँ, तो ध्यान दीजिए। आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं थे, परंतु सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आचार्य चरक ने शरीर को वेदना वैद्य को आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपपन्नम। स्वस्थ शरीर ही धर्म का पहला साधन है, शास्त्रों का यह कथन सब प्रकार से उचित है। स्वस्थ शरीरम विना जीवन यात्रा के नापि प्रकारेण पूरा न भवितु महति। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो सकती। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथः न केवलं प्राचीनः प्राचीनतमः अपितु श्रेष्ठतमः अपि अस्ति। चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता न केवल सबसे प्राचीन है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किं लक्षणं किं पथ्यं किं च निदानम इति सर्वम अत्र चिकित्साचार्येण चरकेण विस्तारेण वर्णितम अस्ति। किस रोग का लक्षण क्या है, क्या परहेज है और उसका इलाज क्या है, इन सब की चिकित्सा आचार्य चरक ने विस्तार पूर्वक वर्णन की है। महर्षि चरक कथयति, महर्षि चरक कहते हैं, पंचभूतात्मकः ही देह पंक्ष च देहस्य इंद्रियाणि। यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है और शरीर ही की पांच इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह स्वस्थ आचरणम्, इंद्रियों को वश में करना ही स्वस्थ आचरण है। अपिच वातः पित्तः कफः इति त्रयः दोषाः शरीरस्य। वात कफ तथा पित्त ये तीन शरीर के दोष हैं। एतेषां त्रयाणां दोषाणां तत्वानां प्रमाणे विषमे जाते शरीरे रोगा जायन्ते। इन तीनों दोषों की मात्रा यानी प्रमाण से जब विषम हो जाती है तो शरीर में रोग हो जाते हैं। एवं शरीरस्य दोषाणां तत्वानां असंतुलितः प्रमाणः एव रोगः दोषाणां समतोलनं च रोगस्य उपचारः तत्प्रमाणः संतुलितं भवेत् एतदर्थं रोगाय औषधं दीयते। इस प्रकार शरीर के इन दोषों यानी तत्व की मात्रा के असंतुलन को संतुलन में लाना ही रोग का उपचार है और इसलिए औषधि दी जाती है इस तरीके के रोगों से बचने के लिए।
यदि आहार आचार विषये क्षयमः भवेत् तर्हि शरीरस्य दोषाणां समतोलनं स्वयमेव विधीयते। परंतु यदि आहार आचरण विषय में क्षयम हो तो शरीर के दोषों में संतुलन स्वयं ही हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम भोजन न पचना ही विष होता है। अतः प्रतिजन हित भूख च स्यात्। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हितकर उचित मात्रा में तथा ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। मनः शरीरं च अन्योन्य आश्रितम्। मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य रक्षाए न केवलं शुद्ध आहारः स्वच्छ वायु निर्मलं जलं यथोचितं व्यायामः अपेक्षते अपितु चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता भवति। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध आहार शुद्ध वायु स्वच्छ जल उचित व्यायाम की अपेक्षा होती है अपितु चित्त की शुद्धि भी आवश्यक होती है। अतः सदाचार अनिवार्य क्षयम च स्वस्था शरणम। अतः सदाचार क्षयम तथा स्वस्थ आचरण आवश्यक है। तो ये था इसका भावार्थ। आई होप आपको इस लेसन का आपको जो भी मैंने भावार्थ समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो भी आपका इस लेसन में शब्द अर्थ है आप लोग रिवीजन करते रहिए, उसको याद करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट से मिलेंगे, तब तक के लिए इस लेसन को आप रिवीजन करिए। ओके।